इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बारा सिंगल परिसर में एक 6 साल की बच्ची की मौत कूलर का करंट लगने से हुई है। जानकारी है कि घटना के वक्त बच्ची घर के अंदर अकेली खेल रही थी और मां बाहर कपड़े धो रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। एक मां को अपने 6 वर्षीय बच्ची आकांक्षा संतेली को घर में अकेला खेलता छोड़ना महंगा पड़ा। कूलर का शॉक लगने से बच्ची की मौत हो गई। जानकारी है कि घटना के वक्त बच्ची घर के अंदर अकेले खेल रही थी और पिता मजदूर है जो काम के सिलसिले में बाहर गए थे और मां बाहर कपड़े धो रही थी, तभी घर के अंदर से सामान गिरने की जोरदार आवाज हुई और मां ने जब अंदर जाकर देखा तो बच्ची जमीन पर पड़ी मिली, जिससे अंदेशा हुआ कि बच्ची को करंट लगा है। मां ने पड़ोसियों की मदद से बच्ची को मेडिकल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। दिनांक 30 एप्रिल 2024 रोजी दुपारी 1:15 दरम्यान मध्ये बारा सिग्नल हद्दीमध्ये समाज भवन इमामवाडा या हद्दीमध्ये एक लहान मुलगी वय वर्ष 6, तिचं नाव आकांक्षा सचिन संदेले, ही खेळता खेळता तिच्या घरामध्ये असलेल्या तिच्या कूलरला हात लागल्यामुळे करंट येऊन ती बेशुद्ध पडली। त्यावेळी तिच्या घरामध्ये तिची आई कपडे धुत होती। आईला आवाज आल्यानंतर बाहेर येऊन पाहिला असता तिला ती बेशुद्ध अवस्थेत दिसून आली। तिने आवाज दिला, आजूबाजूचे लोक जमा झाले आणि ते तिला मेडिकल हॉस्पिटल या ठिकाणी घेऊन गेले। मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले। मेडिकल हॉस्पिटलच्या रिपोर्टवरनं आम्ही अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे। तर ह्या घटनेवरनं मी सर्वांना एक आव्हान करतो की आपल्या घरातील जे कूलर आहेत ते पुरेशा उंचीवरती ठेवा, जेणेकरून लहान मुलांचे हात त्याला लागणार नाही। ज्या केबल वापरतो त्या केबल ही चांगल्या क्वालिटीच्या वापराव्या। त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कूलरमध्ये पाणी टाकताना स्विचपासून वायर वेगळी करा आणि नंतर पाणी टाका, नंतर चालू करा, यामुळे हे अशा छोट्या छोट्या हादसे होणार नाही। फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हर घर में कूलर लगे हैं। यह कूलर सही से काम करते हैं या नहीं करते हैं इसकी जांच करना चाहिए। लोग जल्दबाजी में घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इन जैसी घटनाएं सामने आती हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।